अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ प्रैक्टिकल लैब नंबर टू ऑन एसक्यूएल सर्वर क्वेरीज। टुडे वी विल कंटिन्यू विद एसक्यूएल कमांड्स। ब्रीफली आई विल टेल यू कि हमारे पास एसक्यूएल के अंदर कौन कौन से कमांड्स हैं जिनको हम एज ए क्वेरी रन कर सकते हैं। सो हियर इज अ लिस्ट ऑफ एसक्यूएल सर्वर क्वेरीज कमांड्स you can see on the screen. Okay, what is SQL? Okay, if you don't know what is SQL and you are a novel a programmer of SQL, so SQL is structured query language, which is a computer language for storing. ये बात नोट करें यहाँ पे, let me zoom it, for storing, मैनिपुलेटिंग एंड रिट्रीविंग डेटा। यानी मतलब इसका ये हुआ कि हम डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए, मैनिपुलेशन के लिए मींस डेटा को सपोज अपडेट करने के लिए, एडिट करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, अलॉन्ग विद रिट्रीविंग डेटा। डेटा को आप एक्सेस भी कर सकते हैं, अगर आपके पास पहले से स्टोर डेटा है, सो यू कैन रिट्रीव दैट डेटा यूजिंग एसक्यूएल सर्वर कमांड्स स्टोर्ड इन रिलेशनल डेटाबेस। नाउ हियर इज अ वर्ड रिलेशनल। रिलेशनल मींस व्हेन द डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रिलेशंस और टेबल्स। सो एसक्यूएल इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम्स। ठीक है, यानी रिलेशनल डेटाबेस से जब भी आप डेटा रिट्रीव करते हैं, स्टोर करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, सो एसक्यूएल इज़ अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज। ऑल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, बिकॉज हमारे पास और भी सिस्टम्स हैं, लाइक यू हैव माई एसक्यूएल दैट वी यूज इन विद पीएचपी इन वैम्प सर्वर, इस तरह एमएस एक्सेस हमारे पास एक और टूल है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में के साथ आता है। ओरेकल हमारे पास एक दूसरा अल्टरनेटिव है जिसमें आप फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों बना सकते हैं। साइबेस या सीबेस के नाम से भी है, इन्फॉर्मिक्स, ये मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास लैंग्वेजेस मौजूद हैं डेटाबेस के लिए। सो द वन वी आर यूजिंग इज़ एसक्यूएल सर्वर, और जो कि वाइडली यूज़ भी होता है डेटाबेस सिस्टम्स में। So to start SQL practically, first I will brief you on using multiple SQL commands. The standard SQL commands to interact with relational databases are create, select, insert, update, delete, and drop. So these are the standard query commands that we use in database manipulations, creation, and dropping, etc. Okay, these commands can be classified into groups based on their nature. अच्छा, ये जो आपके सामने कमांड्स मौजूद हैं, मेरे ख्याल में ये पाँच छः कमांड्स हैं, इनके अलावा और भी कमांड्स हमारे पास हैं, तो इनको इन्होंने ग्रुप बेस्ड, इनकी ग्रुपिंग की है और इनको एक नाम दिए हैं। लाइक द फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड डी डी एल। डी डी एल मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। So what is DDL? So these commands first create, alter, and drop. These three commands are called data definition language. So whenever you hear about DDL, so you should remember that only these three commands are called DDL. Okay? Because when you create database, it is called definition or defining a database. So using create command, you can create new table, you can view table, etc. Alter command is used for modifications, so you can modify some existing database. यानी आपके पास पहले से डेटाबेस मौजूद है and you want to make some modifications, so for that you will use alter command. Drop is used for deletion. Okay, deletes an entire table. यानी अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा का पूरा टेबल जो है और उसको मैं डिलीट कर दूं, सो यू हैव अ कमांड कॉल्ड ड्रॉप। सो दिस वाज कॉल्ड डीडीएल।
The second is DML, data manipulation language, and another three commands we have are insert, update, and delete. Shortly you will see how do we use these commands. So with insert, you can create a record, yani aapke paas pehle se table maujood hai aur us table ke andar you want to insert a fresh record. So for that you can use insert command, update command. अपडेट जो है ये पहले से मौजूद एक रिकॉर्ड के अंदर डेटा को मॉडिफाई या अपडेट करता है. लाइक फॉर एग्जांपल आपने अपना नाम गलत लिखा है किसी टेबल के अंदर, सो आप उस नाम को अगर चेंज कर, लाइक योर नेम वाज सपोज उमर अहमद, सो आपने उमर अहमद की जगह उमर खान लिखा है, तो यू कैन अपडेट दैट रिकॉर्ड यूजिंग दिस अपडेट एसक्यूएल कमांड. डिलीट कमांड हमारे पास मौजूद है. सो देखिए यहाँ पे ड्रॉप का कमांड भी है, लेकिन ड्रॉप जो है वो एंटायर टेबल को डिलीट करेगा. वाइल डिलीट कमांड इज यूज्ड फॉर डिलीटिंग वन रिकॉर्ड फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग टेबल. सो दिस इज कॉल्ड डेटा मैनिपुलेशन और DML लैंग्वेज. द थर्ड कमांड इज कॉल्ड DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज. एंड द टू कमांड कॉल्ड ग्रांट एंड रिवोक. So grant is used for giving privileges to a user. Like database आपके पास बन गया है और आप चाहते हैं कि मेरा एक employee है और जिसको मैं इख्तियार देता हूँ कि वो सिर्फ एक record को सिर्फ check करे, view करे और उसको change ना कर सके. So then this is called privileges. यानी उसको आप accesses वगैरह कुछ दे सकते हैं कुछ नहीं. Like अगर मेरे पास एक system का password है और मैं स्टूडेंट्स को पासवर्ड ना देना चाहूँ, तो इट इज कॉल्ड ग्रांटिंग सम एक्सेसेस और प्रिविलेजेस. तो कुछ आप देते हैं और कुछ आप नहीं देते, सो उसके लिए ग्रांट का कमांड जो है ना वो यूज होता है. रिवोक इज अनदर कमांड. रिवोक मींस अगर आपने किसी भी यूजर को कुछ एक्सेसेस ग्रांट की हैं, आपने उसको कुछ प्रिविलेजेस दी हैं यूज़ करने के लिए और आप चाहते हैं कि मैं उनको वापस ले लूँ, so for that you can use the revoke command to take back privileges from existing or user. The fourth language is called DQL, data query language. इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही command है, that is called select. select क्या करता है कि it retrieves certain records from an existing table. सो इस क्लास में प्रैक्टिकल लैब नंबर टू में जो है हम स्टार्ट लेंगे सेलेक्ट से, बिकॉज ये थोड़ा सा ईजी भी है और इसके मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं यूज़ करने के लिए. सो टुडे आई विल टेल यू अबाउट द सेलेक्ट कमांड इन डिटेल. यहाँ पे अगर आप देखें, वी हैव अ सेलेक्ट स्टेटमेंट, इसकी वे सेलेक्ट स्टेटमेंट. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम the syntax of using select command. अच्छा, select database. देखें आपके पास suppose एक software आपने install किया हुआ है SQL server का और उसमें आपने तीन databases create किए हैं. first database का नाम है suppose university, दूसरे का नाम है shopping mall और तीसरे का नाम है suppose hospital. ये आपके पास तीन मुख्तलिफ किस्म के databases मौजूद हैं. so अगर आपने क्यूरीज को रन करना है सेलेक्ट कमांड को, तो फर्स्ट वी हैव सेलेक्ट द डेटाबेस के मैं कौन से डेटाबेस के अंदर जाके वहाँ पे क्यूरीज या रिकॉर्ड्स को रन करूँ या चेक करूँ. सो उसके लिए आपने इन तीनों में से किसी एक डेटाबेस को पहले चुनना होगा, यानी सेलेक्ट करना होगा. तो उसके लिए यूज़ कमांड है. कौन सा? यूज़. और उसका इस्तेमाल ये है कि आप लिखें यूज़ एंड उसके बाद डेटाबेस नेम, लाइक यूज यूनिवर्सिटी, यूज शॉपिंग मॉल, यूज हॉस्पिटल. सो इसके बाद जो है ना आप फर्दर क्यूरीज को रन कर सकते हैं. ओके, सो व्हेन यू हैव मल्टीपल डेटाबेसेस इन योर एसक्यूएल स्कीमा, देन बिफोर स्टार्टिंग योर ऑपरेशन यू वुड नीड टू सेलेक्ट डेटाबेस, ठीक है, वेयर ऑल द ऑपरेशंस वुड बी परफॉर्म्ड. यानी ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले यू मस्ट चूज a specific database. So for that you have a command called use database. The SQL use statement is used to select any existing database in the SQL schema. The basic syntax of the use statement is given below. अच्छा, ये आपके सामने जो red fonts हैं
यू कैन सी हेयर यूज लिखें एंड डेटाबेस नाम लिखें, तो फिर इसके बाद आप अपने फर्दर क्यूरीज जो है ना नीचे गिवन है इसको आप फिर स्टार्ट कर सकते हैं. ओके सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट. ये हमारे पास सेंटिक्स हैं. आप लिखेंगे पहले एसक्यूएल सॉरी सेलेक्ट, इसके बाद टेबल के कॉलम नेम्स जितने आप सेलेक्ट करना चाहें ये आपकी मर्जी है, अप टू कॉलम एन, यानी आपकी मर्जी है कॉलम एन मीन्स लास्ट वाला कॉलम. अगर आपके पास 10 कॉलम्स हैं तो इट मीन्स ऑल द 10 कॉलम्स, कॉलम नंबर 1, 2, 3. फ्रॉम, यहाँ पे सेलेक्ट जो है और फ्रॉम जो है ये आपके पास कीवर्ड या बिल्ट इन कमांड्स हैं, यू कैन नॉट मॉडिफाई देम. हाँ, कॉलम नेम जो है वो आपके एग्जिस्टिंग डेटाबेस के नाम जो आपने दिए होंगे, इस तरह टेबल नेम भी आपने दिया होगा. सो लेट हैव अ ट्राई ऑन दिस फर्स्ट एसक्यूएल कमांड. सो हेयर यू कैन सी ऑलरेडी आई हैव ओपन द मैनेजमेंट स्टूडियो एसक्यूएल सर्वर. पिछले लेक्चर के अंदर या ट्यूटोरियल 1 के अंदर हमने जो है डेटाबेस क्रिएट किया था जिसका नाम था यूनिवर्सिटी. सो क्लिक ऑन दिस प्लस बटन, दिस वुड बी एक्सपेंडेड. हेयर यू हैव 5 डेटाबेसेस, बिजनेस, फाटा, पीएमएस, सेमेस्टर 4 एंड यूनिवर्सिटी. सो इन द फर्स्ट ट्यूटोरियल वी हैव क्रिएटेड यूनिवर्सिटी डेटाबेस. क्लिक ऑन दिस, इट विल बी एक्सपेंडेड एंड हेयर यू कैन क्लिक ऑन द टेबल ऑप्शन. Will be expanded and here is your first table called customer. Now let have a check on ke customer table ke andar what kind of records we have stored. Click on right click on this customer table and from here you click on the select. Okay, so here you can see this is the actual table. कस्टमर आई डी था, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस एंड पोस्टल कोड, और इसके अंदर हमने कुछ एंट्रीज की थी अपनी आसानी के लिए. सो दीज आर ऑल द एंट्रीज. सो इफ यू वॉन्ट टू मेक सम मोर एंट्रीज, सो उसके लिए अगेन यू क्लिक ऑन द कस्टमर, राइट क्लिक ऑन द कस्टमर टेबल, एडिट टॉप रोज. So edit करने के बाद you can see on the screen you have 4 rows entered and here you will enter the 5th row. Here we can put another 14 पहले से है, 15 आप enter करेंगे. Customer name आप यहाँ पे enter करें, इसका नाम है निजाद. और customer का address आप दे दें, suppose I am entering again Karachi. And its postal code is 1234. Sixth record enter करें, 16 number. इसका नाम रखें. देखिए मैंने यहाँ पे पहले एक नाम दिया था अहमद का. Again I am putting entering this name अहमद. Customer address है and I am inserting here Fata. And its postal code is, assume करते हैं कि 4000 है. And 17th number record enter करते हैं with a name called Amjad. Okay. और here again its address is Fata. And so is 2000 is the postal code. Okay. So we have made a टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं और हमारे पास 4 एट्रीब्यूट्स या कॉलम्स मौजूद हैं. ओके सो इफ यू वांट टू चेक, राइट क्लिक ऑन दिस टेबल, सेलेक्ट, सो यू कैन सी द फुल 7 रिकॉर्ड्स ऑफ दिस टेबल. अच्छा, नाउ फ्रॉम हेयर हेयर यू कैन स्टार्ट योर क्यूरीज. And we will start from our first query, select column names from table. Okay. Achha, ab assignment aapki ye hai, task aapka ye hai. Aap chahte hain ki main sirf customer ID ko yahan se select karun along with the postal code. Yani, yeah, customer ID aur saath saath यहाँ पे कस्टमर नेम जो है मैं वो सिर्फ यहाँ से चूज़ करूँ. मुझे सिर्फ ये दो कॉलम्स चाहिए, मुझे बाकी का
दो कॉलम नहीं चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यानी जिस तरह आप लोग अपना रिजल्ट चेक करते हैं तो आप देखते हैं कि अपना रोल नंबर, तो रोल नंबर आप एंटर करते हैं तो बैक पे ये क्यू जी रन होती है कि सेलेक्ट दैट रोल नंबर फ्रॉम द होल रिकॉर्ड्स, तो वो इस तरह के रिकॉर्ड्स होंगे और उनमें से आप जो है ना किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ दो यहाँ पे कॉलम्स को रिट्रीव करूँ, तो उसके लिए आप लिख के सेलेक्ट फर्स्ट कॉलम का नाम है कस्टमर आईडी कॉमा कस्टमर या फर्स्ट नेम स्पेस फ्रॉम, टेबल का नाम है कस्टमर। ठीक है, तो ये हमने क्यूरी लिख दी कि सिर्फ दो एट्रीब्यूट्स जो हैं वो कस्टमर टेबल से क्या करें, रिट्रीव करें। सो सेलेक्ट और हाईलाइट दिस क्यूरी और क्लिक ऑन दिस येलो आइकन, और यहाँ पे कमांड है एग्जीक्यूट के नाम से, सो क्लिक एग्जीक्यूट कमांड। नाउ हियर आफ्टर एग्जीक्यूशन यू कैन सी सिर्फ कस्टमर आईडी का कॉलम दिया है आंसर में और साथ कस्टमर नेम का एक कॉलम हमें दिया गया है। सो इट मींस वी कैन सेलेक्ट ओनली टू एट्रीब्यूट्स फ्रॉम हियर इफ़ वी यूज दिस क्यूरी। यू कैन मॉडिफाई दिस, यू सेलेक्ट अनदर कॉलम विद द नेम कस्ट एड्रेस, सीधे के आपको ऑप्शन दे रहता है। अब आपके पास तीन एट्रीब्यूट्स आ गए, सो क्लिक ऑन एग्जीक्यूट कमांड सो यू कैन सी द थ्री एट्रीब्यूट्स। ओके, इफ यू एंटर हेयर स्टार, इसको ट्राई कर लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, सो स्टार का मतलब है ऑल या होल, ये आपको पूरा का पूरा टेबल दे देगा। जिस तरह हमने यहाँ पे चेक किया था ना कि आप जाएं यहाँ क्लिक करें सेलेक्ट, तो उसके लिए जो कमांड है वो है सेलेक्ट एस्ट्रिक या स्टार फ्रॉम कस्टमर टेबल। ठीक है, तो इसके थ्रू आप जो है ना पूरा का टेबल व्यू या देख सकते हैं। अच्छा, सो दिस वाज द फर्स्ट इसके सेलेक्ट कमांड। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हमेशा जो है यहाँ पर भी आप चेक करें, देयर इज़ अ कमांड कॉल्ड वेयर, इसकी विल वेयर क्लास, वेयर का मतलब ये है कि आप एक कंडीशन लगाते हैं कि सेलेक्ट कॉलम वन कॉलम टू एंड सो ऑन फ्रॉम टेबल नेम वेयर एंड कंडीशन, यानी वेयर हमारे पास बिल्ट इन कमांड है और यहाँ पे आप कंडीशन लगाएंगे। किस तरह लगाएंगे, अब देखें, अब सपोज देयर इज अ क्वेश्चन कि मुझे सिर्फ कस्टमर आईडी नंबर 13 का पूरा रिकॉर्ड चाहिए, ये वाला, ठीक है, मुझे कस्टमर आईडी नंबर 13 का सिर्फ ये रिकॉर्ड चाहिए जिसका नाम है रज़ा अहमद, एड्रेस इज़ कराची एंड द पोस्टल कोड इज़ 15। तो उसके लिए आप क्यूरी में थोड़ा सा चेंज करेंगे, सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम कस्टमर वेयर, देखें जब ये ब्लू हो जाता है इट मीन्स कि ये हमारे पास एक सही या करेक्ट कमांड है, वेयर कस्टमर आई डी इज इक्वल टू 13। ये हमने कंडीशन लगा दी कि जिस कस्टमर की आई डी 13 है वो हमें पूरा का पूरा एक रिकॉर्ड दे दो, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर आई डी इज 13। तो इसको आप यहाँ से सेलेक्ट करें एंड एग्जीक्यूट दिस कमांड, सो हेयर यू कैन सी द होल रिकॉर्ड इज गिवन ऑफ द कस्टमर आई डी नंबर 13। Here you can see it. Okay. यहाँ पे आप change करना चाहें, you put here 16. So you will see how it will be executed. This is customer ID number 16. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड वेयर कमांड, जहाँ पे आप कोई कंडीशन, दिस इज अ कंडीशन, कस्टमर आई डी नंबर 16 है, कस्टमर आई डी नंबर 13 या कोई भी आप लगा सकते हैं। वेल यू कैन यूज अनदर कमांड लाइक कस्टमर आई डी ग्रेटर देन 13, यानी 13 से जो भी आई डी ग्रेटर हो तो हमें वो सारे रिकॉर्ड यहाँ पे दे दो, सेलेक्ट करें इसको, एग्जीक्यूट दिस वन, सो यू कैन सी 13 के बाद, इन 13 से जो ग्रेटर है आई डी, तो वो सारे रिकॉर्ड इसने हमें दे दिए हैं। ठीक है, 14, 15, 16 एंड 17, सो दिस इज़ अ कंडीशन
of customer ID on this. Well, you can now you can apply some other conditions. अब आपकी मर्जी है उसमें लिस्ट एंड करें या well लिस्ट से क्या होगा कि वो कम देगा. Like this is a list command. एच और कमांड अगर हम ट्राई करें greater or equal, तो आया इसमें 13 आएगा या नहीं. इट्स लेट हैव अ ट्राई ऑन दिस. यस यहाँ पे 13 भी आ गया, 13 के इक्वल या ग्रेटर. सो यू कैन क्लिक चेक दिस रिकॉर्ड्स. अच्छा सेलेक्ट के साथ जो है वी हैव सम अदर कमांड्स आल्सो. देयर इज कमांड कॉल्ड डिस्टिंग. ठीक है, डिस्टिंग का मतलब ये है कि सेलेक्ट डिस्टिंग यानी डिफरेंट कॉलम नेम्स एंड फ्रॉम टेबल, यानी जिसमें हमारे पास रिकॉर्ड डिस्टिंक्ट या मुख्तलिफ हों. लाइक यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा ये चले ये भी हो साथ, क्यों ना इसको हम नीचे ले आए. सेलेक्ट देखें कस्टमर नेम को अगर आप देखें या कस्टमर एड्रेस को. सो कस्टमर एड्रेस में हमारे पास चले पूरा टेबल व्यू कर लेते हैं. कस्टमर टेबल सेलेक्ट दिस क्यूरी एग्जीक्यूट. अब सिर्फ ये हुआ जिसको मैंने हाईलाइट किया है, दिस विल एग्जीक्यूटेड एंड हेयर यू कैन सी द होल टेबल. ओके, अब यहाँ पे उमर का नाम जो है वो सिंगल है, अहमद का नाम जो है वो दो दफ़ा रिपीट हुआ है. ठीक है, इस तरह कस्टमर एड्रेस को अगर आप देखें, कराची इज रिपीटेड टू टाइम्स और फाटा भी टू टाइम्स रिपीटेड है. अब मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये रिपीटिशन ना आए, तो उसके लिए आई विल डू व्हाट. सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ठीक है कस्ट एड्रेस फ्रॉम. अच्छा एड्रेस की स्पेलिंग ठीक है, कस्ट एड्रेस फ्रॉम टेबल का नाम है कस्टमर. ठीक है, यानी कंडीशन हमें ये लगाया है कि हमें कस्ट एड्रेस का ये कॉलम दे दो लेकिन डिस्टिंक्ट दे दो. डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि इसमें ये जो वैल्यूज़ हैं कराची क्योंकि टू टाइम्स है ताकि ये रिपीट ना हो, और सारे जो एंट्रीज हैं वो डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट हो. एग्जीक्यूट दिस वन एंड हेयर यू कैन सी द कस्टमर एड्रेस. अब कराची इज वन टाइम, फाटा इज वन टाइम, लाहौर इज सिंगल टाइम, पेशावर इज सिंगल टाइम. सो इसने हमें कस्टमर एड्रेस कॉलम के डिस्टिंक वैल्यूज दे दिए हैं. ठीक है, वेल यू कैन मेड सम मॉडिफिकेशन हेयर विद कस्टमर आईडी. ठीक है, अब इसको करें सेलेक्ट एग्जीक्यूट दिस वन. सो यहाँ पे अगर आप देखें कस्टमर आईडी जो है चूंकि वो है ही डिस्टिंक्ट 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17, तो ये इसने डिस्टिंक्ट दिए हैं, तो इसके अपने रिकॉर्ड यहाँ पे मौजूद हैं. ठीक है, इट विल बी अप्लाई ऑन ओनली वन एट्रीब्यूट. ठीक, लेकिन अच्छा ये डिस्टिंक्ट इस तरह है, ये जो दोनों हैं अब ये मिल के डिस्टिंक्ट है, मिल के इस तरह डिस्टिंक्ट है कि 11 और पेशावर ये डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड हो गया, 13 और कराची. अब यहाँ पे कराची है लेकिन उसके साथ 15 लिखा गया है. सो 15 एंड कराची बोथ कलेक्टिवली आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम 13 एंड कराची. ये यानी दोनों रिकॉर्ड मिल के वो क्या है, वो डिस्टिंक है. तो दिस वाज अ डेमो ऑफ डिस्टिंक क्यूरी. अच्छा लास्ट वन जो है एक क्यूरी रन करते हैं. वेयर तो हो गया, आपको समझ आ गया कि कंडीशन के लिए है. एंड और आर को ट्राई कर लेते हैं. ठीक है, एंड और को जब हम ट्राई करेंगे तो अगेन बाकी का की क्यूरी सेम होगी. सेलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल नेम दिस, वेयर कंडीशन यहाँ तक सेम है लेकिन कंडीशन वन एंड कंडीशन टू या कंडीशन वन
और कंडीशन टू, यानी यहाँ पे दो कंडीशन आप लगाएंगे. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. वेल हेयर यू कैन सी, सेलेक्ट करें कस्टमर टेबल को ताकि आप पूरा टेबल व्यू करें. ये आपके पास पूरा टेबल है. हम चाहते हैं कि हम एक ऐसी कंडीशन लगाएं जिसमें हमारे पास कस्टमर की आईडी जो है वो 11 हो. यानी हम चाहते हैं कि हम 11 वाला रिकॉर्ड चेक करें और 15 के बाद जो ये तीन रिकॉर्ड्स हैं 15, 16 एंड 17 हम ये व्यू करें. यानी 11 वाला रिकॉर्ड हमें चाहिए और 15, 16, 17 हमें ये वाले रिकॉर्ड चाहिए. यानी बीच में हम 12, 13 और 14 यानी इसको हम स्किप करें. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट हैव अ ट्राई ऑन इस क्यूरी को यहाँ से हम कॉपी करें, कंट्रोल सी करें, कंट्रोल वी. सो सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम कस्टमर टेबल वेयर कस्टमर आईडी जो है हमारे पास हो क्या 11. एक कंडीशन हमारे पास ये हो गई, कस्टमर आईडी हमारे पास 11 होगी. एंड कस्टमर आईडी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 15. यानी एक कंडीशन है कि 11 नंबर रिकॉर्ड होगा और इसके बाद है 15 नंबर रिकॉर्ड होगा. लेकिन शायद ये एंड के साथ एज सच काम ना करे. लेट हैव अ ट्राई. इट विल वर्क विद और एज माई एज फॉर माई नॉलेज कंसर्न. जी एग्जैक्टली ये इस तरह का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है. दोनों में एंड मीन्स दोनों में कॉमन हो रही है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है. सो इसके ऊपर हम और को ट्राई कर लेंगे. दैट लुक्स क्वाइट सेंसिबल एंड रीजनेबल. सो मैंने क्लिक किया, यानी या तो 11th वाला रिकॉर्ड हो या फिर 15 से अबव रिकॉर्ड हो. यस ये हो गया 11 के लिए. और है तो इट मींस कि ये यूनियन होगा, तो इट मींस कि 15, 16, 17, 16 ये हमारे पास और का कमांड है. एंड में ये है कि एंड में वो दोनों को चेक करेगा कि दोनों ट्रू हो, तब जाके हमें वो रिकॉर्ड देगा. ठीक है, तो उसके लिए लेट हैव सम कंडीशन जिसमें हम एंड को ट्राई कर सकें. सो फॉर दैट लेट हैव अ ट्राई ऑन कस्टमर नेम अहमद हो. चले एंड को मैं ट्राई कर लूंगा और आपको फिर इसका बता दूंगा. अच्छा यहाँ पे देखें, मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ एंड को, कि इस तरह करते हैं कि पहले टेबल को अगेन व्यू करें. ठीक, इस टेबल के अंदर हम ये करते हैं कि यहाँ पे नाम लिखा है अहमद. ठीक है, सो क्यों ना हम एक ऐसा कस्टमर नेम ढूंढें, कस्टमर नेम, ठीक है, जिसका नाम अहमद हो. अच्छा नेम है तो स्ट्रिंग है, तो इसको आप डबल सिंगल या डबल कोट्स में बंद कर दें. कस्टमर नेम इज अहमद. अब अहमद जो है वो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये हमें फिर दो रिकॉर्ड देगा. ठीक है, एंड कस्टमर आईडी जो है वो 15 से ज़्यादा. यानी हमने ऐसे कहा हुआ है कि वो कस्टमर नेम जिसका नाम अहमद हो और वो इसकी जिसकी कस्टमर आईडी जो है वो 15 से अबव हो. तो अहमद यहाँ पे भी है जिसकी आईडी 11 है, लेकिन अहमद यहाँ पे भी है जिसकी जो आईडी है वो 16 है, यानी वो 15 से अबव है. तो इट मींस कि हमें शायद ये वाला रिकॉर्ड मिले, लेकिन अभी चेक कर लेंगे. यहाँ पे क्लिक करें एंड एग्जीक्यूट का कमांड क्लिक कर. यस यू कैन सी कस्टमर नेम अहमद है, दिस इज फर्स्ट कंडीशन. एंड कस्टमर आईडी जो है वो 15 से अबव भी है या इसके इक्वल या अबव है. तो हमारे पास जो है, हेयर वी कैन सी द टू conditions are satisfied and we got the result here. So this was the end command.
So dear students, this was select command up to select command up to fourth, and so after this we will continue with some more select clauses. So for today's lecture, this was enough, and hope you will practice on this and you will get some good results. Thank you for watching. See you in the next tutorial, tutorial number 3. Allah Hafiz.